Guys, good morning everyone. Can you all hear me? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Give me a thumbs up in the chat. Hi Ananya, good morning. Good morning Ananya. चल. Am I audible? Am I visible everyone? On, right guys? चलो, कैन वी स्टार्ट एवरीवन? कैन वी स्टार्ट? सब लोग रेडी हैं क्या? सब लोग रेडी हैं? चलो करें स्टार्ट. सेम कल जैसा करेंगे कि जो सबसे ज्यादा स्पीड में आंसर देगा, ठीक है? और उसके बाद अगर ये टाइम पे फिनिश हो जाता है, अगर ये टाइम पे फिनिश हो जाता है तो फिर 2017 के जो बच्चे हुए 20 क्वेश्चन है वो भी खत्म कर देंगे. डन. चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से. 2017 PYQs. क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन. द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. IAIB, कैपिटल IA, कैपिटल IAIB एंड IA स्मॉल आई, ठीक है? ये हस्बैंड का है फिनोटाइप, जीनोटाइप सॉरी, और ये वाइफ का है. Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? How many different types of genotype and phenotype are possible? फटाफट इसका क्रॉस बना लो. IAIB crossed with capital IA small i. Heterozygous individual, कितने कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? ये बने है ना, करो इसका क्रॉस बनाओ. इन दोनों का बनेगा, एक बनेगा IAIA. Of course, IAIB तो एक बनेगा ही, उसके अलावा IB, small i और IA, small i, है ना? चार फिनोटाइप बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट. वेरी गुड, चार फिनोटाइप बनेंगे. तो जीनोटाइप कितने बेटा? चार फिनोटाइप है तो जीनोटाइप कितने बताओ? फिजिकल फॉर्म में फिनोटाइप बेटा अनन्य, फिनोटाइप तीन तीन होंगे ना. देखो कैसे, ये ए ब्लड ग्रुप होगा, ये AB होगा, है ना? ये भी तो ए ब्लड ग्रुप ही होगा और ये बी होगा, तो चार जीनोटाइप और तीन फिनोटाइप. आया समझ में? है ना, ये भी तो ए ब्लड ग्रुप है, ये और ये तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, तो तीन बने और चार जीनोटाइप बन गए, है ना? चलो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड इन्यूक्लिएटेड और आर मोर एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स फीचर. बताइए. They do not need to reproduce. Their somatic cells do not metabolize. All the internal space is available for oxygen transport. बताओ जरा. हाँ, reproduction की requirement. Of course, ये cell division नहीं show करते हैं, है ना? Of course, cell division नहीं show करते हैं, ठीक है? They are somatic cells. No, है ना? Are they related? Somatic tissue, somatic cells कौन से होते हैं जो tissue बनाएंगे आगे जाके, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, है ना? दे डू नॉट मेटाबोलाइज. ए सी डी करेक्ट है तुम्हारे हिसाब से बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनली डी ऑप्शन. इनको इंटरनल स्पेस चाहिए होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, है ना? मोस्ट अप्रोप्रिएट. ई न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से जितनी भी स्पेस बचती है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन आ जाता है पूरा, है ना? तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा? ग्लोबिन होगा तो हीम बनेगा अपने आप, हीम अटैच होगा. जितने ज्यादा हीम अटैच होंगे उतने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होगी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है? ठीक है, ई न्यूक्लिएट होने की जो सबसे एप्रोप्रिएट चीज है वो ये, क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स. हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स, बताइए. हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या कॉमनलिटी है, बताओ. इनके बीच में क्या कॉमनलिटी है तुम्हारे हिसाब से?
आंसर थ्री दिया, एसीडी लिखा ना बेटा, तो एसीडी में क्या वो करेंगे, कैसे डिसाइड करूं मैं? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स, फैरिंग्स विद गिल स्लिट, फैरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बताओ इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है तुम्हारे हिसाब से? कैरेक्टरिस्टिक हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स शेयर, यस वेरी गुड। फैरिंग्स विद गिल स्लिट है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना अनन्या, कि जो गिल स्लिट्स हैं उनके नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। साइक्लोस्टोमेटा जितने कॉर्डेट वाला पार्ट है वहां पे गिल्स, नंबर ऑफ गिल्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, कैरोटीन। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, सी रेटिनल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए एंड डी रेटिनल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स। बताइए कैरोटीन को लेके क्या क्या चीजें सही हैं, बताओ। विटामिन ए का डेरिवेटिव है, हाँ है ना, फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क इनर सेगमेंट, बताओ क्या ये सही है तुम्हारे हिसाब से? ए तो करेक्ट है, अब देख लो कौन कौन से स्टेटमेंट में ए करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट्स में ए करेक्ट है, तो ये वाला हटा दो ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सी रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सी भी करेक्ट है, यस वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, ए सी डी तीनों करेक्ट है। बी जो है फोटो पिगमेंट्स का एम्बेडेड है फोटो पिगमेंट्स है ना, वो यहाँ पे नहीं होंगे, चलो राइट। डी रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोट में मियोसिस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? चलो स्पीड में आंसर करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूकस, वेरी गुड। और सोचो थोड़ा और सोचो, जाइगोटिक मियोसिस की बात चल रही है बेटा, थोड़ा सा और सोचो, सही डायरेक्शन है तुम्हारा, थोड़ा सा और डायरेक्शन चेंज करके देखो एक बार, हाँ हाँ इसका सही आंसर है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है, ठीक है। इसको मार्क करके रख लो, अगर ये भूल गई हो तो, है ना, मार्क करके रख लो, ऑफकोर्स काम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, एडीएच, रेनिन, एएनएफ, बताइए। जूस्पोर बनेगा, पर क्या क्लेमाइडोमोनास की एक ही स्पेशी है बेटा? क्लेमाइडोमोनास की दूसरी स्पेशी भी तो है, याद करो, जो स्पेसिफिकली एनाइसोगैमी शो करती है ना। चलो, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ब्लड प्रेशर में अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा वाला हॉर्मोन जो है वो रिलीज नहीं होगा? सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, एएनएफ। एएनएफ कब रिलीज होता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, ये सारे ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं, एंटी डायुरेटिक हार्मोन रेनिन एल्डोस्टेरोन, ये सारे के सारे ब्लड प्रेशर लोअर करने का काम करेंगे, है ना। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, जब ऑलरेडी डिक्रीज हो गया है तो इनको रिलीज करके क्या फायदा? ये तब रिलीज होंगे जब हमें एक्चुअली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ठीक है। ये कब रिलीज होंगे? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को रिलीज करवा के ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करना है या मेंटेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज, बताओ। कोई बात नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा अनन्य, थोड़ा सा शांति से आंसर दो बेटा, है ना, जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है।
नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अभी थोड़ा एग्जाम की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। चलो, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोलाई, बस प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग राइट नाउ, ये अगर तुम्हें रिपीट में आते हैं वहां पर एग्जाम में, तो वो यहाँ गलती फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसका क्या रीजन है? हाँ, वेरी गुड, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। चलो, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम्स? कोएंजाइम इक्वल्स टू, ये मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में, कोएंजाइम इक्वल्स टू एपोएंजाइम प्लस होलोएंजाइम्स, होलोएंजाइम इक्वल्स टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, एपोएंजाइम होलोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, होलोएंजाइम इक्वल्स टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, बताओ। इजी क्वेश्चन है काफी ज्यादा, हाँ लिखा हुआ है ये भी। बताओ, यस, होलो एंजाइम इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर, बहुत क्लोज हो, इट्स एक्चुअली होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ठीक है, इसको भी मार्क करके रख लो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, देखो को फैक्टर की जगह सिर्फ एपो एंजाइम लिखना है तुमने। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा आर एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोसिस म्यूचुअलिज्म, क्या चीज? एक मिनट, हाँ बताओ, माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, म्यूचुअलिज्म का, ऑफ कोर्स, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा? फंगस प्लस रूट, फंगस प्लस रूट्स, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक? पॉलीसेक्राइड लिपिड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, कौन सा वाला? ऑफ कोर्स पॉलीसेक्राइड्स तो मिलके बना रहा है बहुत सारी चीजें, तो ये हट गया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बन रहा है बताओ। ये तो बहुत सिंपल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ। टेंथ का आंसर टू दे रही हो तो ये टेंथ का आंसर लिखा है क्या अनन्या? हाँ, टेंथ का आंसर, यस इट्स लिपिड्स, राइट, इट्स नॉट पॉलीमरिक। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ये सब किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी चीज के पॉलीमर्स हैं, है ना, ये सारे किसी ना किसी चीज के पॉलीमर्स हैं, मोनोसेक्राइड के हो गए, इजंट इट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स? हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, बताओ। संतोष ने आंसर दिया है ए, वेरी गुड, यस, माइकोप्लाज्म होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, एनारोबिक कंडीशंस में भी रह लेता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज इसी के साथ याद रख लो, पीपीएलओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इज ऑब्टेंड व्हेन, बताओ, याद करो उसका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, यस, एक मिनट, बताओ जल्दी, एसिम्टोमैटिक, एसिम्टोट का मतलब बताओ, कब होगा ऐसा? एसिमेट्रिक, बताओ, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का याद करो, हमने बात की थी रियल और नारियल ग्रोथ कर्व, हाँ, संतोष ने आंसर दिया है डी, एक मिनट, हाँ, यस, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इट्स ऑप्शन नंबर डी, व्हेन के इक्वल्स टू एन, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, याद करो थोड़ा सा, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक
न्यूमैटोफोर्स एंड शो वीवी पैरी बिलोंग्स टू वीवी पैरी और न्यूमैटोफोर्स की बात हुई. न्यूमैटोफोर का क्या मतलब हुआ? एयरफील्ड, है ना. जब हम न्यूमा वर्ड यूज करते हैं इट मीन्स फॉल्स. और 13 का आंसर, वेरी गुड हेलोफाइट्स, वेरी गुड अनन्या, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली चलो देखते हैं तीनों में से कौन सबसे पहले आंसर देता है इस क्वेश्चन का. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड. आशीष वेरी गुड, सही आंसर. इन कंटेक्स्ट टू हार्टवुड, वेरी गुड आदित्य, इट्स हेलोफाइट्स. चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ जरा जल्दी से. वेलकम टू द क्लास आशीष. चलो आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 22 के लिए? 14 का वन, वेरी गुड मुजाहिद. इतना लेट, तुम लोग इतना लेट क्यों आए बताओ पहले तो. 9:30 का टाइम है ना. चलो 14th, हाँ हाँ 14 का आंसर दिया. हाँ वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली. चलो विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इज नॉट करेक्ट. चलो अब आ ही गए हो तो लाइक करते जाओ वीडियो, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इतने दिनों से आ रहे हो क्लास में. फटाफट हाँ हाँ जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो 14 का. अरे आंसर दो भाई 15th का, सॉरी. इन विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. C3 responds to high temperature with enhanced photosynthesis while C4 have much lower temperature. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for high yield. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. Ananya bol rahi hai, very good. C3 plants nahi hote hain ye. तो फिर बताओ कि कौन से प्लांट्स हैं जो हाई टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं. यस वेरी गुड आशीष, वेरी गुड आशीष. चलो अनन्या और आशीष ने बिल्कुल सही आंसर दिया. मुझे बताओ कि फिर हाई टेम्परेचर को कौन से वाले जो प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे. नॉट करेक्ट लिखा है ना आपने, बोला कि C3 प्लांट्स हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन से वाले प्लांट्स कर रहे हैं? ज़ेरोफाइट्स किस में आते हैं बेटा? ज़ेरोफाइट्स किस में आते हैं जल्दी बताओ. वेरी गुड गौरव, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स. वेरी गुड आशीष. चलो क्विकली आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या करना होता है? डिसरप्टिव एज इट स्प्लिट्स द पॉपुलेशन इनटू टू, वन यील्डिंग हायर आउटपुट एंड द अदर लोअर आउटपुट. Stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows. Stabilizing selection. देखो यहाँ पर artificial selection की बात हो रही है. Artificial selection में हमेशा कुछ ना कुछ bias होगा. Correct everyone? तो 16 का answer क्या हुआ जल्दी बताओ, है ना. Of course it is going to be directional क्योंकि एक bias create हो गया. Very good Ananya. एक bias create हो गया है based on the yield. Correct? Very good Mujahid. चलो next question. Which of the following represent order of horse? Order of horse. इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, हॉर्स का लिख लेना एक बार, है ना. मैंने लिखवाया है, आई थिंक नोट्स में है ये नोट्स. देखो यहां पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है ना, तो जब नेचुरल सिलेक्शन होगा तो हमेशा अनबायस्ड होगा, ठीक है. जब हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करें तो हम किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को देख के सिलेक्ट करेंगे, तो जो एक डायरेक्शन में होगा ना, एक डायरेक्शन में जा रही चीज की आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर ध्यान है कि मुझे यही टाइप के काउ से जो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना. तो डायरेक्शन मिल गया ना उस चीज को. अगर आप ऐसे ही डिवाइड कर रहे थे कि काले जो ब्लैक कलर की काउज है वो साइड हो जाओ, व्हाइट कलर के अलग हो जाओ, है ना, तो वहां पर आपके पास कोई बहुत बेसिक क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का. यहाँ पर आप आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन सर्टन बायस, राइट. चलो Which of the following represents order? 17 का आंसर दिया ही नहीं किसी ने. चलो 17 का आंसर कौन कौन दे रहा है जल्दी जल्दी. यस
जल्दी 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 बताओ 17 का आंसर, भूल गए क्या? ये भी लिखा है नोट्स में मैंने, आदित्य बोल रहा है ए। नो नहीं, ऑर्डर पूछा है बेटा, ऑर्डर। इट्स पेरिसोडक्टली, नहीं, इसके पास, इसके जो पैर होते हैं, डक्टली का मतलब होता है फ्यूज्ड, है ना? तो इनके जो पैर होते हैं, तुम देखोगे कि इनका पैर जो होंगे वो बहुत प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते, है ना, फ्यूज्ड होते हैं इन अ सेंस। ठीक है, इसका आंसर है डी। प्लीज लिख के रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्पीड स्लो हो गई मतलब। अच्छा क्वेश्चंस की, नहीं, स्पीड स्लो नहीं करनी भाई। अब जो कल वापस चलो, सब लोग आ गए ना, हाँ, तो जो सबसे पहले आंसर देगा उसका आंसर वैलिड और सही आंसर देना है। चलो स्पीड में, क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी, क्विकली एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी, जो भी पहले आंसर देगा उसी का नाम बोलूंगी मैं, उसके अलावा किसी का भी नहीं। चलो कल जैसे कर रहे थे कॉम्पिटिशन, बिल्कुल वैसे ही। चलो आदित्य मुजाहिद, फटाफट से गियर अप, बिल्कुल। जो नए स्टूडेंट आए हैं आप भी पार्टिसिपेट करो। गौरव कह रहे हैं वेरी गुड, वॉल्वॉक्स। गौरव ने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया, एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ एनिलीन ब्लू एथिडियम। चलो इसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? स्पीड में आ जाओ और वीडियो लाइक करते जाओ, इतने सारे लोग देख रहे हो, वीडियो लाइक करते जाओ फटाफट। यस अनन्या ने अनन्या ने आंसर दिया है 2, 19 का, वेरी गुड, एथिडियम ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन दे रहा है सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, यस गौरव पटेल ने दिया है बी, वेरी गुड, अमेजिंग। इंटेस्टाइन के अंदर अनलोड करेगा बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। यस कौन दे रहा है आंसर पहले? गौरव और अनन्या के बीच में जबरदस्त कंपटीशन, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? 21, वेरी गुड गौरव, सी 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। देखो जरा, पेनिसिलियम नोटाटम क्या सिक्रीट कर रहा है, सैक्रोमाइस क्या सिक्रीट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, यस एवरीवन, ट्वेंटी टू का आंसर अनन्या ने दिया है बिल्कुल सही आंसर, 22 का बी, राइट, सैक्रोमाइसिस सर्विस। ये फिर क्या कर रहा है? इथेनॉल निकाल रहा है ना, याद करो, है ना? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन याद करो, इसमें सीओ टू गैस एंट्रैप हो जाती है इसलिए सब जगह पर छोटे छोटे होल्स, है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। यस वेरी गुड, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। ये ऐसे एरो बने होंगे, है ना? आई होप इतना समझ गए होगे इतने दिनों में। 23, यस गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिस वैसा रेक्टा किडनी बिडर्स कैनाल यूरोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोक। ठीक है, फ्रॉग नहीं पढ़ा कुछ, देखो दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं फ्रॉग में से, उसमें से एक ये क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन और आता है आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यही एक आध दो क्वेश्चन आते हैं और बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, ज्यादातर कॉकरोच के बारे में पूछा जाता है। चलो आज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 24 एवरीवन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, वेरी गुड अनन्या, सबसे पहले आंसर दिया ए, कॉर्पस लूटियम, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, होमोजाइगस प्योर लाइंस इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय, प्योर लाइन निकालना है, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट स्पीशी, रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, बताओ। होमोजाइगस प्योर लाइन मेंटेन करके चलना है मुझे। 25 का आंसर एवरीवन, यस
वेरी गुड गौरव, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम ब्रीड, तो ये होमोजाइगोसिटी प्योर लाइन को मेंटेन करके चलेगा। लेकिन लंबे समय तक इनब्रीडिंग होती रहेगी तो क्या होगा, इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आउटब्रीडिंग करना पड़ेगा, कि किसी भी रिलेटेड इंडिविजुअल जो सुपीरियर मेल या फीमेल होगी उससे क्रॉस करवाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which one from those given below is the period of Mendel's hybridization experiment? बताओ, ये 2017 का क्वेश्चन है। ईयर के ऊपर बोलते हैं सब लोग, क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, जब आता है तो फिर ऐसा आता है। यस, 26 का 3, 56 से 63, वेरी गुड गौरव, यस बहुत बढ़िया। 26 का सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? बताइए कहां पर कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बना रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 27 एवरीवन। यस, हाँ हाँ, 27 का 2 दिया है गौरव ने सबसे पहले, बी ऑप्शन। यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा साइकिल बनता है ना, स्टार्ट कहां से होगा, ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस, जाते जाते कहां चला जाएगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए, क्वेश्चन नंबर 28, फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यस, क्रेब्स साइकिल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी इसका आंसर करोगे, फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, यस, 28 का 4 बोल रहे हैं, है ना, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हर्शी चेस। ग्रिफिथ ने कौन सा दिया था याद करो, ग्रिफिथ ने दिया था एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाला, याद है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, है ना। ऐसे जब भी ये चीजें कर रहे हो तो साथ साथ में थोड़ा सा आसपास की चीजें भी देखो। सिलेक्ट द मिसमैच क्विकली, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी गुड गौरव, जल्दी बताओ। यस, क्वेश्चन नंबर 29, यस, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, वेरी गुड, सिलेक्ट द मिसमैच। बताओ, ये मोनोइशियस डायोशियस के जो, वेरी गुड, पहले ही सबसे पहले गौरव आंसर दे दिया, पाइनस डायोशियस, इट्स अ मोनोइशियस, है ना, डायोशियस मोनोइशियस वाली चीजें थोड़ी सी देख लेना। देखो दो चीजें याद रखो, डायोशियस मोनोइशियस, इसके अलावा डायकॉट मोनोकॉट के एग्जांपल, इस ये तुम्हारा अगर क्लियर है ना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बॉटनी में से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, Which type of immune response is responsible for such rejection? बताओ, अगर ट्रांसप्लांट जो है वो खराब हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, तुम बताओ कौन सी वाली इम्यूनिटी एक्टिव होगी, सेल्स बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड अनन्या, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और गौरव ने भी सही, अच्छा दोनों एक साथ आंसर दे रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? चलो क्रेब साइकिल के बारे में थोड़ा रिकॉल करो और बताओ, ये एन प्लस यहां पर होगा, है ना, चलो बताओ जल्दी जल्दी, इज इट विजिबल, हाँ पूरा दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो स्पीड में आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्रेब साइकिल में क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं, सक्सिनल कोएंजाइम, मैंने इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताया पूरे साइकिल को याद करने का, है ना, वेरी गुड। 31 का क्या दिया आंसर गौरव ने, बिल्कुल सही आंसर दिया, सॉरी, साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, वेरी गुड, विद पाइरूविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, शुरू तो यहीं से, शुरुआत फिर नहीं तो कहां से होगी, है ना, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप पहले नहीं होगा, बाद में होगा ये, ठीक है, तो पाइरूविक एसिड आगे जाके बनाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अटैच हो जाए, होके कंटिन्यू कर देगा साइकिल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर, ये जो परमिएबिलिटी है ना फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है, एवरी ईयर तुम सारे पेपर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, है ना, देखो कुछ कुछ चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है मैं वो मेंशन करती जा रही हूं, तो इनको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 एवरीवन, अनन्या ने सबसे पहले आंसर दिया बट सही आंसर गौरव का है, इट्स असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो हेनली लूप में से ही बाहर नहीं जाएगा, पानी बाहर नहीं जाएगा, है ना, ये देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऐसे ही तो होगा,
ठीक है, असेंडिंग जो लिम्ब है इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, तो अभी तो वाटर यहाँ मेंटेन रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलता जाएगा, तो यहाँ पे याद करो कितनी ऑस्मोलैरिटी थी, 1200, है ना, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ 33 पे, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिला है याद रख लो, फ्लैजिलेटेड सेल्स एक ही है उसके अंदर, बताओ याद करो, ऐसे पेरीफेरी है और ऐसे सेल्स है, और ये कोएनोसाइट के फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट होता है वाटर का अपवर्ड्स, वेरी गुड, कोएनोसाइट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच, एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, फ्रैंकिया एलनेस, रोडोस्पाइरुलियम, माइकोराइजा। चलो 34 क्विकली, जल्दी जल्दी आंसर करोगे। वेरी गुड, रोडोस्पाइरुलियम, माइकोराइजा। तो फिर रोडोस्पाइरुलियम क्या है, स्पाइरुलियम बोल दिया मतलब ये ऑफ कोर्स होगा बैक्टीरिया, और यहां लिखा है माइको मतलब फंगस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हिच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिबकल सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स, जाइमोजन, कपफर, अर्जेंटाफिन सेल्स, पैनिक सेल्स, और इसके बाद मुझे जाना अर्जेंटाफिन सेल्स का फंक्शन, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करवाया अर्जेंटाफिन सेल्स। चलो फटाफट आंसर दोगे, स्पीड मेंटेन करो, बहुत बढ़िया, देखो आज कितनी अच्छी स्पीड है, वी आर ऑलरेडी अभी 35 पे हैं हम लोग ऑलरेडी, है ना, कल इस टाइम तक हमारे 20 क्वेश्चन हुए थे। चलो बहुत बढ़िया, स्पीड मेंटेन रखो, 35 का, यस 35 का, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, पैनिक सेल्स। चलो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, यस वेरी गुड। लाइसोजाइम्स बताओ, ये एंटीबैक्टीरियल होंगे, 36 का 2, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, यस दे आर विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, वेरी गुड गौरव एंड अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बोल रहे हैं, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन Only Y pairs are true ribs. बताओ, true और false ribs के बारे में पूछा है। इतना design डाला है question में। देखो जरा ध्यान से। इतना design डाला है question में, पर कितना easy question है, है ना? बस पूछा है true और false ribs कौन से? बता दो जल्दी से। 37. Yes. कितने pair of ribs हैं? 12. दिख रहा है? 12. ये दोनों तो वैसे ही अगर हट गए। 12 pair of rib दिया है। अगर यहाँ पर टोटल सिर्फ पेयर नहीं लिखा होता तो 24 लिख देते, पर पेयर लिखा हुआ है। उसके बाद वो बोल रहे हैं वाई पेयर इज ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स कौन सी होती है? 1-7, वेरी गुड। और क्या होता है? इट इज अटैच्ड, वेरी गुड। चलो गौरव ने सबसे पहले सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। अनन्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, ब्रेक डाउन समझ आ गया क्वेश्चन का? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, मैं रुकी हुई हूँ, फटाफट बताओ क्वेश्चन का ब्रेकडाउन समझ में आया? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। 38, रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, बहुत इजी, चलो जल्दी बताओ, बायोस्फीयर रिजर्व जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन नंबर 38। यस क्या बना हुआ, जल्दी बताओ, बहुत ही आसान है ये तो, हाँ याद कर लो जरा, हाँ जल्दी जल्दी सोचो, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, यस वेरी गुड गौरव। Phellem, these are dead cells. बाकी सारे के सारे living हैं। इसी की जगह पे xylem में से अगर याद करो, तो xylem के tracheid cells, है ना? चलो, next आ जाओ। Morphological nature of edible part of coconut. ये तो इतनी बार पूछा गया है, इतनी ज्यादा बार पूछा गया है कि तुम ऑलरेडी देख लो, कोकोनट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, चलो बताओ, बहुत ईजी है ये तो, 40, वेरी गुड अनन्या। गौरव, यस, एंडोस्पर्म इज द पार्ट जो, आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए,
फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन वॉट इज द क्राइटेरिया सॉरी वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्री न्यूक्लियर हाँ वेरी गुड चलो बताओ 41 का आंसर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे यस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे क्या होता है वेरी गुड बताओ 41 का वेरी गुड अनन्या द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर तक जाएगा है ना और इसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा कौन सा फ्रेगमेंट है जो स्मॉलेस्ट है इन द साइज एंड फिर भी उसके पास सारे कैरेक्टर्स सारे जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे के सारे आ गए हैं वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन बताओ वर्टिकल की बात चल रही है वर्टिकल लेयर्स बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये बताओ जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज पार्टिसिपेट भी करो आपकी ही प्रैक्टिस होगी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना चलो बताओ जल्दी जितने भी लोग देख रहे हो कोई बात नहीं ना ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा तो क्या प्रॉब्लम है नोबडी इज जजिंग यू है ना अभी 2-3 दिन में एग्जाम है तुम्हारा चलो फटाफट आंसर करो तुम्हें भी पता चलेगा ना सेल्फ इवैल्यूएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है 42 यस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंख बंद करके लगा देना चेकअप डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ व्हिच टीथ आर एब्सेंट 20 दांत थे बच्चे के पास वैसे पूरे 2 ईयर बताओ छोटे बच्चों में डेंटल फॉर्मूला बताओ जरा इनका क्या क्या होता है इसके पास वेरी गुड प्रीमोलर्स आर एब्सेंट प्रीमोलर्स जो होंगे वो उसमें परमानेंट डेंटिशन का पार्ट है ऑल्सो मोलर भी इनके पास 2 ही होते हैं वाइल इन द अडल्ट्स इट्स समहाउ मतलब कहीं कहीं पर 3 रहते हैं ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट 44 क्वेश्चन नंबर 44 यस एवरीवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल बहुत ही इजी क्वेश्चन किसकी वजह से स्टिकीनेस होती है जिसके कारण वो होस्ट सेल से चिपक जाता है बताओ जल्दी से बहुत ही इजी सेल्यूलर मेम्ब्रेन पे सेल वॉल पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं सेल वॉल कॉम्पोजिशन वेरी गुड ग्लाइको कैलेक्स वेरी गुड बोथ ऑफ देम स्लाइमी लेयर बोलते हैं इसको यस अनन्या गौरव है ना चलो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय बहुत ही ज्यादा इजी ये यहाँ पे चलो 1, 2, 3, 4 बताओ बताओ जल्दी हाँ 45 का आंसर यस वेरी गुड अनन्या बी एंजियोस्पर्म्स ऑफ कोर्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो हाँ बोगेनविला थॉर्न्स आर मॉडिफाइड ऑफ किस चीज का मॉडिफिकेशन है इसके थॉर्न्स बताओ बताओ बोगेनविला में क्या है 46 यस ऑफ कोर्स स्टेम वेरी गुड बोथ ऑफ यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स बताओ बताओ जल्दी स्पीड में आंसर करोगे 47 यस वेरी गुड 47 का ए प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट फ्लॉक्स है ना दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन चलो
बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर्स। यस 48, वेरी गुड 48 है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, बताओ। डायोशियस जो प्लांट्स होंगे, डायोशियस कौन होंगे, जिनके पास दोनों गैमेट्स होंगे या वो जिनके पास एक गैमेट बनेगा, जल्दी बताओ। Yes, 49 का, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4, ऑटोगैमी एंड जेटिनोगैमी। बताओ इस डायोशियस कौन से होंगे, जिनके पास दोनों गैमेट्स हैं या एक गैमेट है, बताओ जल्दी जल्दी बोलोगे। हाँ बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। ये एग्जाम्पल्स है ना, आई होप तुम्हें याद है, एग्जाम्पल एंजाइम्स और एक्सेप्शंस, भूलना मत। और पेपर जिस दिन करके आओगे ना, पेपर कंप्लीट करके आओगे, उस दिन मिलना मुझे, ठीक है? फिर डिस्कस करेंगे कितने एग्जाम्पल्स और कितने एक्सेप्शंस पूछे गए। चलो 50, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करो, वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, लाइक ऑलमोस्ट हाफ वे से भी ज्यादा आ गए, 50 क्वेश्चन हो गए। चलो जल्दी, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, 40 क्वेश्चन ओनली। Yes, very good. 50 का first synovial joint बहुत बढ़िया है ना, it's a synovial type of a joint. Next question, water potential of pure water. बहुत repeated question, बहुत ही ज़्यादा बार repeated question. Yes, yes 51. हाँ हाँ, very good. It's zero, Gaurav. Very good. Which ecosystem has the maximum biomass? सबसे ज़्यादा biomass कौन produce कर रहा है? जल्दी बोलो. Yes. वेरी गुड, देखो तुम्हारा, अब देखो कितने प्रॉपर आंसर्स दे रहे हो, है ना, कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम, वेरी गुड अनन्या। फॉरेस्ट वाला जो इकोसिस्टम है सबसे ज्यादा, हाई, ग्रेट अचीवर, गुड मॉर्निंग। चलो वेलकम टू द क्लास, ज्वाइन हो जाओ फटाफट से, आंसर करते जाओ। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफकोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। 53, GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, ये दोनों काम किस पे करते हैं, दे एक्ट ऑन। योर ऑप्शंस आर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड FSH, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड रिलैक्सिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। GnRH की बात हो रही है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑफ कोर्स कहां जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यस यस, एंटीरियर पिट्यूटरी और LH एंड FSH को रिलीज करवाएगा। कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट के साथ तुम्हें मिला है, वेरी गुड, ग्रेट अचीवर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस चीज को उन्होंने, हम्बोल्ट ने किसको डिस्क्राइब किया था, बोलो जल्दी। Yes, 54 का one, species and species area relationship. और सोचो थोड़ा, 54, हाँ बहुत बढ़िया, species area relationship, very good. चलो next, fruit and leaf drops at early stage can be prevented by the application of, कौन सा हार्मोन है जिससे हम अर्ली राइपनिंग को रोक सकते हैं, प्लांट को यंग रखने के लिए, बताओ जल्दी। ये सब लिखवाया हुआ है मैंने, इट्स ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो बेसिकली प्लांट को, हाँ इट्स ऑक्सिन है ना, प्लांट को यंग रखने का काम करेगा, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 56, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर। चलो जल्दी जल्दी आंसर करोगे, स्पीड स्लो हो गई फिर से, चलो 56, जल्दी जल्दी, इट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर, बताओ। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्युलोस माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, longitudinal orientation, contraction of outer wall of guard cell decrease in turgidity of the guard cell, हाँ हाँ
वेरी गुड, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. 57, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग एस फेज, विद इन न्यूक्लियोलस. बोलो. हाँ हाँ जल्दी जल्दी आंसर करोगे. यस 57 का, वेरी गुड. इट्स ऑप्शन नंबर विच वन, 3, 2, 1 कौन सा? सबने सारे एबीसीडी सब बोल दो, तुम सब बोल दो एबीसीडी, है ना. गौरव ने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया, प्रायर टू फिजन. वेरी गुड गौरव. चलो फॉस्फो क्या चीज? सी नहीं है, ग्रेट ग्रेट अचीवर जो भी नाम है आपका, सी कैसे हुआ बेटा? थोड़ा सा सोचो, एस फेज में कैसे होगा रेप्लिकेशन, है ना. एस फेज के पहले डी बैक्टीरिया की बात चल रही है, बैक्टीरिया सेल की बात चल रही है. चलो आ जाओ. हाँ पीईपी इज प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर, प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर. बहुत ये देखो 2020 में रिपीटेड, 2019 में रिपीटेड. बताओ 58 का आंसर एवरी वन. यस हार्डवर्क. हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया. 58 फोर प्लांट्स, अमेजिंग गौरव, बिल्कुल आज एकदम ऑन फायर. चलो 59, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. बताओ पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, स्पीड में आंसर करोगे. इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक भी करते जाओ वीडियो. यस हाँ हाँ 59 बोलो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 59 एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड अनन्या, लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस. वेरी गुड. 60, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. सीड, पॉड, स्टेम, ट्राइकोम्स, बताओ. क्या इसमें सोचने की भी जरूरत है, है ना. स्टेम का टॉलडॉर्फ. वेरी गुड वेरी गुड. क्वेश्चन 61, जीन हूज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज. जीन हूज एक्सपेरिमेंट, बड़े दिनों के बाद आई जुबी. चलो फटाफट जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का नाम बोलूंगी मैं, और तुम्हें वहां पे लिखना है आंसर में, ऐसे लिखोगे 61 का जो भी जैसे आंसर है, है ना. वेरी गुड अनन्या, सिलेक्टेबल मार्कर, बहुत ही शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. स्पर्म काउंट लो की बात चल रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? एंड इट हैज नथिंग टू डू विद मोर्टिलिटी, समझो बात को. सिर्फ स्पर्म काउंट लो हुआ है, कौन सी टेक्निक सजेस्ट करोगे एज अ डॉक्टर? वेरी गुड गौरव, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. बताओ मैच द फॉलोइंग के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता. बताओ अब बताओ जल्दी जल्दी आंसर्स. यस चलो मैच द फॉलोइंग. गोनोरिया क्या है, किससे कॉज हो रहा है सिफिलिस? बताओ जेनिटल वॉर्ट्स, डी का वन, ढूंढ लो डी का वन सभी में है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बताओ सिफिलिस किससे हो रहा है? हाँ हाँ जल्दी बोलो. एक तो ये तो बहुत इजी हो गया, है ना, बाकी बताओ. चलो 63 का आंसर एवरीवन. वेरी गुड अनन्या ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3, ए का 2, निसेरिया. ये सब मैंने चार्ट बाय चार्ट सब कुछ लिखवा है. सिफिलिस किससे हो रहा है? ट्रेपोनीमा से, और जेनिटल वॉर्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, एचपीवी. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. 64, विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? एक्वेटिक मैमल्स कौन कौन बना रहे मिलके, बताओ. मैमल्स की बात चल रही है, ध्यान दो जरा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, आइदर दे विल आस्क यू कि जस्ट एलिमिनेट द ऑड वन आउट, तो तुम्हें अपने आप हिंट लेना होता है कि कौन कौन से मैमल्स हैं, कौन कौन से लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल कि प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट्स हैं. यस एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 64. यस वेरी गुड गौरव, वेयर इज डॉल्फिन सील्स, है ना. ये सब क्या है? एक्वेटिक मैमल्स हैं. तो ऑड वन आउट के फॉर्म में इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by. एक जगह पर packed है inflorescence, बताओ. हाँ हाँ बोलो. Yes very good. सबसे पहले किसने आंसर दिया? 65 का A लिख के जुबी ने भेजा है,
यस वेरी गुड जुबी. विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 66. लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर. एक्टोकार्पस किसका एग्जाम्पल है, फ्यूकस किसका एग्जाम्पल है, उस हिसाब से बताओ कि कौन सा हैप्लो डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक है, बताओ जल्दी. हाँ हाँ 66 का वन सबसे पहले गौरव ने आंसर दिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया. 67 एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, बताओ बेटा. आपने 66 लिख के भेज दिया, ग्रेट अचीवर, आंसर नहीं लिखा. आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, आंसर क्वेश्चन नंबर तो मुझे भी पता है. यस गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया, डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स. क्या बात है, क्या बात है, है ना. 67 का ए, बहुत बढ़िया. 68 ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट. अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किससे अटैच होते हैं, पहले तो लाइगेज लिख लो, है ना, किसको इलोंगेट करता है, लीडिंग स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड को. यस yes. जल्दी जल्दी 68 का आंसर कौन दे रहा है सबसे पहले. सबसे पहले अनन्या ने आंसर दिया है, बहुत ही ज्यादा शानदार, लैगिंग स्ट्रैंड. तुम तो कह रही, तुम्हें कंफ्यूजन है लैगिंग और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, आता तो है तुम्हें, बस कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा अनन्या. हाँ चलो आ जाओ फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन 69. थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोथ ऑफ देम, बताओ. 69 थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी में शेप ये होना चाहिए था, सिकल हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है. बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, नहीं, थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव, तो ये भी गलत हो गया. बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं, ये है क्वांटिटेटिव, तो ऑप्शन नंबर ए किसने दिया सबसे पहले, गौरव ने, बहुत ही शानदार. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फ्रूट इज लो. एक ही पेपर, मैंने क्या बताया था, एक ही पेपर में अगर कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हें वो कोकोनट वाला क्वेश्चन आता होगा तो तुम ये भी आराम से सॉल्व कर लोगे. चलो बताओ कोकोनट फ्रूट क्या है, क्वेश्चन 70 एवरीवन. 70 का सी, इट्स अ ड्रूप. यस वेरी गुड, वेरी गुड. सबसे पहले किसने दिया 70 का सी, जुबी ने आंसर दिया है, वेरी गुड जुबी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 71. अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, बताओ. ग्रेट अचीवर आंसर दिया ई, बेटा ई तो ऑप्शन में ही नहीं है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ फटाफट से. हाँ हाँ 71 का किसने आंसर दिया सबसे पहले, जुबी ने. जुबी एकदम स्पीड में आ गई है, वेरी गुड जुबी, बिल्कुल सही, एंटोमोफिली. चलो और अब देखो, अब तुम ये कर रहे हो ना, तो यहाँ पे रिकॉल कर लो फटाफट कि कौन कौन से ये कौन कौन से टाइप का पॉलिनेशन चल रहा है ना, जस्ट क्विक रिकॉल, क्योंकि इन चारों में से किसी में से भी पूछ लेंगे वो. चलो 72 स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, यस याद करो, ये डायग्राम बनाया था हमने ऐसा पूरा, कुछ आ रहा है याद, नहीं ट्रांस, ये सॉरी उसमें ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में HNRNA कुछ लिखा था, HNRNA करके, याद आ रहा है, मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का बनवाया था. 72 सबसे पहले किसने आंसर दिया, 72 हम लोग अभी 72 पे चल रहे हैं, आप 78 पे कहां चले गए. नॉट इन, बहुत बढ़िया जुबी, बहुत ही ज्यादा शानदार. प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, प्रोकैरियोट कौन है, बैक्टीरिया. यस बहुत ही ज्यादा गजब, 72 का बी, जुबी ने सबसे पहले सही आंसर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, यस क्वेश्चन नंबर 72 एवरीवन. हाँ हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो. यस एपिफिजियल प्लेट क्लोज विद एल्डोसेंस, क्लोज आफ्टर एल्डोसेंस. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स. 74 क्वेश्चन नंबर एवरीवन, बताओ. एरोसोल्स नॉट रिलेटेड टू एरोसोल्स, बताओ. एसोल क्या, छिटक रहे ना, डीडीटी वगैरह, राइट, वेरी गुड जुबी. दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट इज नॉट ट्रू अबाउट इट. चलो बहुत बढ़िया,
नेक्स्ट, वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, अरे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया. वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, यस सबसे पहले अनन्या ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया. सेकेंडरी जाइलम, वेरी गुड अनन्या. नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अनन्या का फेवरेट क्वेश्चन आ गया. अनन्या सॉल्व करो, ये तो बता दिया था मैंने, इसका आंसर ही रट गया होगा अब तो, इसका तो आंसर ही रट गया होगा 76. अनन्या करो आंसर जल्दी. चलो, ट्रिपल नाइन बेस पेयर है, 901 गायब हो गया, बीच वाला, पीछे कितने बचे 98 में से कितने बनेंगे टोटल, दो पीछे के वेस्ट हो जाएंगे, 90 तक तो बनेगा पेयर, है ना. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड अनन्या. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में मिलेंगे. बहुत इजी, 77 तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, है ना. आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, हैलोफिल्स, यस एवरीवन. चलो 77 डन, बहुत बढ़िया. 78, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इट इज कॉल्ड. याद करो, लाइन से सारे स्टेप्स लिखे थे, लाइन से सारे स्टेप्स लिखे थे, यस एवरीवन. चलो बताओ 78 का आंसर क्विकली. 78 का आंसर किस किसने दिया, डी, कोई बोल रहा है 4. क्वालिटी चेक करना है ना हमें, क्वालिटी चेक करना है, क्या होगा इसका आंसर. वेरी गुड, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, वेरी गुड जुबी, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं हम 2017, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब कि फिर से आने के चांसेस हैं, है ना. चलो बताओ 79 का 2, वेरी गुड. सबसे पहले गौरव ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, किसका कैपेसिटेशन, किस चीज का मेजर करोगे, मेजर किस चीज का करते हैं कैपेसिटेशन, बताओ किस चीज के रेफरेंस में कैपेसिटेशन यूज किया जाता है. ऑफ कोर्स स्पर्म, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू. लो फिर से ये क्वेश्चन देखो, हर बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किसमें डेवलप होगा, ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनेगा, है ना, बताओ 80 का एवरीवन, यस. फंक्शनल मेगास्पोर किस चीज में कन्वर्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 80, चलो बताओ. नहीं, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू इट. कन्वर्जन पूछ रहे बेटा, कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, फिर से सोचो. चलो बताओ, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, बोलो जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. इट इज एम्ब्रियो सैक, सिर्फ अनन्या ने इसका आंसर दिया आई थिंक. हाँ, इट इज गोइंग टू बी एम्ब्रियो सैक, नॉट एम्ब्रियो जुबी, एम्ब्रियो सैक. ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोर, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81, जल्दी से. चलो लास्ट 10 क्वेश्चंस बच्चे, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो गया. एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल. इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस खराब हो रहा है, ठीक है, नहीं क्या लिखा है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिग्रेडेशन, हाँ बताओ, प्रोटीन खराब हो रहे हैं, अब क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वेरी गुड. क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट एपीसी खराब होने की वजह से, वेरी गुड अनन्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन 82, यस 82, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी आंसर, यस, हाँ हाँ, यस 82, अनन्या इट्स ऑप्शन नंबर सी,
जुबी ने भी सही आंसर दिया है, श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, वेरी गुड, ग्रेट अचीवर ने भी आंसर दिया, बस लेट थोड़ा सा, जल्दी से दोगे तो करेक्ट सीक्वेंस है ना यहाँ पे, चलो आंसर करोगे 83। माइटोसिस में सबसे पहले क्या हो रहा है, माइटोसिस में सबसे पहले क्या हो रहा है, अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है बताओ, अभी ठीक है क्या, 83 का डी, वेरी गुड, सबसे पहले कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली है ना, फिर इक्वेटर पे उसमें मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं सारे, वेरी गुड वेरी गुड, फिर सेग्रीगेशन और फाइनली टीलोफेज, यस वेरी गुड, 83 का डी सबसे पहले किसने दिया, जुबी ने, वेरी गुड। नंबर 84, दिस इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोसोमल डिफेक्ट कौन सा है इसमें, नॉन डिस्जंक्शन मतलब की जहां दोनों को पोल्स पे जाना चाहिए था वो पोल्स पे नहीं गया, वहीं रुक गया, तो कौन सा होगा बताओ, 84 है ना, अगर वहीं रुक गया मतलब कि सेपरेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे हो गई थी, याद करो ट्राइसोमी, बहुत ही बढ़िया, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम। 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू XC2 कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, अमेजोन, हिमालयस, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बताओ, XC2 कंजर्वेशन की बात चल रही है ऑफ एनिमल्स, 85, यस एवरीवन, यस 85 का सी बोल रही है, वेरी गुड जुबी, 85 का सी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्योंकि हम एनिमल्स की बात करें, थ्रेटन्ड स्पीशीज की ज्यादा बात करेंगे, जब हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं तो इन अ वे प्लांट्स भी कंजर्व हो रहे हैं, एक्चुअली दीज आर एक दूसरे से रिलेटेड ऑफ कोर्स, चलो बहुत बढ़िया। 86, फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर का क्या काम है, स्पीड में, 86 का आंसर बताओ, यस, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, बहुत बढ़िया जुबी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 87 एवरीवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स, बताओ, 87 का आंसर एवरीवन, अबंडेंट में कौन से होते हैं बताओ, ये भी याद रखना कौन से सबसे अबंडेंट है, कौन से लीस्ट अबंडेंट है ना, यस 87 का सी, बहुत बढ़िया गौरव, है ना, RRNA सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, सबसे कम होते हैं tRNA, है ना, चलो नेक्स्ट आ जाओ, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 88 एवरीवन, रूट हेयर किस चीज से डेवलप होता है, यस रूट हेयर्स किससे डेवलप होते हैं, यस बहुत बढ़िया जुबी ने सबसे सही आंसर दिया, सबसे पहले मैच्यूरेशन, चलो, फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस टू बीट फॉर सम टाइम, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ क्यों इसका हार्ट स्टिल फंक्शनिंग है, इट्स नॉट जस्ट ट्रू फॉर एनिमल्स, मतलब फ्रॉग, ह्यूमन का भी तुम हार्ट निकालोगे तो थोड़ी देर धक धक करता रहेगा, बताओ रीजन होगा, ये मत सोचना कि ये फ्रॉग की 8वीं में से पूछा है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, दिस इज ट्रू फॉर एनी हार्ट, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ह्यूमन हार्ट एज वेल, है ना, तो ऑल टुगेदर हार्ट से ही, बिल्कुल सही जुबी कह रही है, सी ओनली सी, थोड़ा सा और सोचो जुबी, थोड़ा सा और सोचो, देखो एक चीज मिस आउट कर रहे हो, ऑटो एक्साइटेबल है, SA नोड होती है इसके अंदर, याद करो जरा, है ना, इसको नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात समझो जरा, हार्ट की मायोजेनिसिटी इलास्टिसिटी याद करो जल्दी, एक्साइट ऑटो एक्साइटेबिलिटी, एक पॉइंट लिखा हुआ है हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, पॉइंट लिखे हुए हैं, ऑटो एक्साइटेबल है राइट, इसको अलग से ये याद करो, इसको हम नोडल टिश्यूज बोलते हैं, ये दीज आर इक्विवेलेंट टू सम न्यूरल टिश्यू, है ना, अपने आप एक्साइट होकर अपने आप आगे का सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या हुआ ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर बी या 2, C and D बोथ आर करेक्ट, हार्ट इज मायोजेनिक, मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ऑटो एक्साइटेबिलिटी की वजह से ही, इवन इफ इट इज टेकन आउट ऑफ द हार्ट, इवन इफ इट इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी, बात समझ में आ रही है क्या,
समझ में आया तो जल्दी रेज योर हैंड्स, किस किस को समझ में आया मैंने अभी क्या बोला, रेज योर हैंड्स क्विकली सबकत, वेरी गुड, बताओ मैंने भी जो पॉइंट बोला किस किस को समझ में आया। ऑटो एक्साइटेबल है इसलिए बॉडी में से निकालने के बाद भी चल रहा था, क्योंकि खुद से चल जाएगा है ना, इट डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि नर्व से एक बार अटैचमेंट लॉस, नर्व से एक बार अटैचमेंट लॉस हुआ तो क्या होगा, फिर तो सिग्नल ही क्रॉस नहीं करेगा, राइट एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करोगे, जल्दी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूट्रल ऑफकोर्स नॉट, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, नहीं पॉजिटिवली चार्ज नहीं, क्या बचा, नेगेटिवली चार्ज, बहुत बढ़िया। जूबी और गौरव ने आज बहुत सही, बहुत स्पीड में आंसर दिया, अनन्या तुमने भी बहुत सही आंसर दिया, चलो वेरी गुड एवरीवन, एवरीबॉडी क्लैप फॉर योरसेल्फ्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सही आंसर, अमाउंट ऑफ आंसर जो तुमने सही दिए वो भी बहुत बढ़िया थे। चलो सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर टुडे, ठीक है, कल मिलते हैं शार्प 9:30, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड हिट द बेल आइकन जस्ट नेक्स्ट टू इट सो यू वोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल। You can also join us on Telegram, Instagram and Quora app. You can find all these links in the description box. Theek hai? Kal milte hain sharp 9:30. Bye bye. Take care guys.